डिजिटल पेंटिंग में लेयर्स क्या होती है, कितने लेयर्स हो सकते हैं और उनको कैसे यूज किया जाए? लेयर्स ना यूज करें तो उसका क्या नुकसान है? ये सब जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। हाय, मैं हूँ विंकी और ये है ड्रॉ विद आर्ट मॉम। इस चैनल पे हम डिजिटल पेंटिंग और डिजिटल आर्ट रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, और अगर आप डिजिटल पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें, ताकि आपको पता चल जाए कि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेयर्स के बारे में। लेयर्स होती क्या चीज है, डिजिटल पेंटिंग में ही लेयर्स क्यों होती है, फिजिकल पेंटिंग में लेयर्स नहीं होती, और उनको कैसे यूज कर सकते हैं, उनमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में हम एक अमेजिंग गिव अवे के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस गिव अवे में आप एक ग्राफिक्स पेन टैबलेट जीत सकते हैं। सो एंड तक जुड़े रहिए, ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, चलिए मैं वापस आ गया हूँ अपने वर्क स्टेशन पे। हम आज डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स के बारे में और लेयर्स क्या होती है। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेयर्स का क्या फंडा है। अगर आप लेयर्स सीख गए तो इससे आपकी पेंटिंग टेक्निक्स और स्टाइल में काफी सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन है और राइट साइड में ये जो पैनल नजर आ रहा है, लेयर्स पैनल कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ये पैनल नजर नहीं आ रहा तो आप विंडो में जा सकते हो और लेयर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने लेयर सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली विंडो आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वर्ड बैकग्राउंड दिख रहा है, जिसके बगल में एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है। ये रेक्टेंगल ये दिखाता है कि इस लेयर पर यहाँ पर क्या बना हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि सिर्फ इसमें व्हाइट कलर है ना, और यहाँ पे भी व्हाइट कलर नजर आ रहा है। अगर मैं इस पर ब्रश लेकर कोई और कलर जैसे कि ग्रीन लेकर मैं अगर इस पे पेंट करना चालू करूं, है ना, मैंने ब्रश की ओपेसिटी 100% कर दी है, मैं अभी एक सॉफ्ट राउंड ब्रश का यूज कर रहा हूं। अगर आप ब्रशेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है इस पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वो वीडियो भी जरूर देखिए। ठीक है, तो फिर मैं ब्रश लेकर इस लेयर पर एक लाइन बनाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने इस लेयर पर एक लाइन बनाई, इस छोटे से स्क्वायर पर भी आपको वो लाइन नजर आने लगेगी। ये आपको इजीली एक पर्टिकुलर लेयर को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी, है ना। अगर अभी मुझे इस लाइन को हटाना है तो क्या कर सकता हूं मैं, एक स्टेप पीछे जाना होगा। एक स्टेप पीछे कैसे जाते हैं, कंट्रोल जेड या कमांड जेड ऑन मैक। कंट्रोल जेड एक बार प्रेस करने पे आप एक स्टेप पीछे जाएंगे, और अगर बार बार पीछे जाना चाहें तो कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस कर सकते हैं, जिससे कई सारे स्टेप्स आप पीछे जा सकते हो। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो एक लेयर नजर आ रही है, यानी कि ये जो बैकग्राउंड लेयर जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है बैकग्राउंड, ये जो लेयर है उस लेयर पर अभी कोई भी पेंट नहीं है, सिर्फ एक व्हाइट कलर भरा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर और एक लेयर बनाना चाहूं, लेयर यानी एक परत, इसके ऊपर पेंट की परत, आप मान सकते हो कि ये जो व्हाइट कलर है वो एक कैनवस है या फिर एक पेपर है जिसपे आप ड्रॉ कर रहे हो, उसके ऊपर एक एक लेयर जो आप बनाओगे वो सारे लेयर एक एक पेंट की लेयर जैसी है। बट मजे की बात ये है कि डिजिटल पेंटिंग करते हुए आपको उन लेयर्स को अलग अलग तरह से मैनिपुलेट करने का ऑप्शन होता है। फिजिकल पेंटिंग में आप ये नहीं कर सकते, एक बार आपने पेंट अप्लाई कर दिया उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है या बहुत कंबर्सम होता है ना। बट आप देखेंगे कि कैसे डिजिटल पेंटिंग में ये काफी इजी तरीके से किया जा सकता है और क्या क्या अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं एक नया लेयर बनाऊंगा। मैं कैसे लेयर क्रिएट करूंगा, लेयर क्रिएट करने के लिए लेयर ऑप्शन पे जाएं, वहां पे क्लिक करने पे आपको न्यू का ड्रॉप डाउन मिलेगा, इसमें आप लेयर पे क्लिक करें और इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम देता हूं स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक स्क्वायर लेयर बन गया है। ये स्क्वायर जो एक लेयर है, ये बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक परत जैसा है। अब मैं इस पे जो भी पेंट अप्लाई करूं वो इस लेयर पर ही रहेगा, जो कि बैकग्राउंड लेयर के एक लेवल ऊपर है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनाते हैं।
ये मैंने एक मार्की टूल सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करके मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक स्क्वायर बनाया। ये जो मार्चिंग एड्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एरिया सिलेक्टेड है। आप अगर सिलेक्शंस के बारे में और जानना चाहें तो हमारा सिलेक्शंस वाला वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्शन कर बना लिया। अब आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप किसी लेयर पे काम करना चाहते हैं तो वो लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी स्क्वायर पे टैप किया तो ये लेयर के ऊपर ये एक ब्लू कलर सा सिलेक्शन आ गया है। इसका मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ अब इस लेयर पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो सिलेक्शन बनाया हुआ है स्क्वायर का, उसके अंदर मैं कोई कलर भर देता हूँ। मान लीजिए मैं उसमें ये येलोइश कलर पेंट बकेट टूल लेके इसमें मैंने भर दिया। कलर्स के बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ, स्क्वायर लेयर आपको नजर आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि ये बैकग्राउंड जो है वो पीछे है, उसके ऊपर एक स्क्वायर लेयर है, यानी कि एक लेयर है जिसके ऊपर स्क्वायर पेंट बना हुआ है। अगर मैं इसको बंद करना चाहूं या छुपाना चाहूं तो क्या करूंगा, यहाँ पे जो आई आइकॉन दिख रहा है उस पर अगर मैं टैप करूं तो वो छुप जाता है। अगर मैं उसको वापस से टैप करूं तो वो दिखने लगता है ना। तो अगर आप 10 लेयर्स पर काम कर रहे हो, किसी एक लेयर को आपको हटाना है, छुपाना है, आपको 100% पता नहीं कि उस लेयर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो आप ये कर सकते हो कि उसे हाइड कर सकते हो और फिर वापस से कभी भी विजिबल कर सकते हो जस्ट इस आई पर क्लिक करने करके। ओके, अब एक और लेयर बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है लेयर बनाने का, आप देख सकते हैं कि राइट साइड बॉटम में इस लेयर पैनल के अंदर यहाँ पे एक डस्टबिन दिख रहा है, उसके बगल में ही एक छोटा सा पेपर जैसा आइकॉन बना हुआ है। इस पे टैप करने पे आप देख सकते हैं कि एक नया लेयर बन जाता है। नया लेयर बन गया लेकिन उसका लेयर लेयर वन लिखा हुआ है। इसका नाम अगर चेंज करना चाहें तो इस पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे सर्कल लिख सकते हैं या जो भी नाम आप देना चाहें। मैंने इसको सर्कल नाम दे दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और सिलेक्शन बनाऊंगा और इस सिलेक्शन को सर्कुलर बना के उसके अंदर एक और कलर फिल करूंगा। आपने देखा मैंने सर्कल लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें एक सिलेक्शन बनाया है, उसके अंदर पेंट फिल किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सर्कल लेयर जो है देखने में ऐसा लगता है कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ये पूरा पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें व्हाइट कलर है, जिसमें येलो कलर है और एक पर्पल कलर है, और वो सारे ऐसे नजर आते हैं जैसे कि एक लेवल पे हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो सर्कल है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, उसके नीचे स्क्वायर है और उसके नीचे बैकग्राउंड है। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ सर्कल बीच में आ जाए, स्क्वायर उसके ऊपर आए, ये भी मैं कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, मैं सर्कल को अपने पेन से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहां पे एक फिंगर का सिंबल बन रहा है, अगर मैं उसे होल्ड करूं और मैं उसे खींचने लगूं यानी ड्रैग करूं, देखिए वो मुट्ठी में बन जाता है, जिसके मतलब है उसने उस लेयर को पकड़ लिया है। अगर मैं उसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊं और ऐसे रिलीज कर लूं, देखा आपने क्या हुआ, स्क्वायर ऊपर आ गया, सर्कल उसके नीचे चला गया और उसके नीचे है बैकग्राउंड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्क्वायर पूरा नजर आ रहा है लेकिन सर्कल पूरा नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप लेयर्स को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे या कहीं पर भी। एक और चीज आप क्या कर सकते हो लेयर्स के साथ, जो भी लेयर आपने बनाई उसको डुप्लीकेट भी किया जा सकता है, दोबारा आपको सेम चीज बनाने की जरूरत नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अभी एक लेयर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं दो लेयर्स को साथ में सेलेक्ट करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, मैं दोनों पे कंट्रोल प्रेस करके टैप कर सकता हूं तो दोनों सिलेक्शन साथ में हो जाते हैं, यानी कि दोनों लेयर्स एक्टिव हैं एट द सेम टाइम। अब मैं अगर इसको डुप्लीकेट करना चाहूं, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं कंट्रोल जे प्रेस करूं, जिससे आपने देखा कि यहां पे सर्कल कॉपी और स्क्वायर कॉपी बन गया है। इसी तरह से एक और तरीका भी है, वो है कि मैं इन पर राइट क्लिक करूं और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर्स पर जाऊं और डुप्लीकेट लेयर्स क्लिक करके ओके करूं। देखिए आप, एक और सेट बन गया। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जहाँ पे ये एक्चुअल पेंटिंग या फिर आर्टवर्क है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
लेकिन यहाँ पे लेयर्स पर लेयर्स बनती जा रही है ना। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो लेयर्स हैं एक के ऊपर स्टैक्ड है, इसीलिए आप उसे देख नहीं पा रहे कि बाकी लेयर्स कहाँ है, है ना। बैकग्राउंड तो व्हाइट दिख रहा है लेकिन ये जो स्क्वायर और सर्कल का कॉम्बिनेशन वो एक ही दिख रहा है, क्योंकि एक के ऊपर एक ये सारे स्टैक हो गए हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे ऊपर वाला जो स्क्वायर और सर्कल का कॉम्बिनेशन है उन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस जो है ऊपर से नीचे की ओर है। सबसे ऊपर वाले दो मैंने सिलेक्ट किए और मैंने उसको प्रेस किया कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि उसे शेप को चेंज करने का ऑप्शन देता है। आप देख सकते हैं एक स्क्वायर बन गया है इसके चारों तरफ, और अगर मैं इसके कॉर्नर को पकड़ू, यानी कि अपने पॉइंटर को उसके कॉर्नर पे ले जाऊं और इसको मूव करूं, तो वो छोटा या बड़ा हो सकता है। देखिए जब मैं इसको छोटा या बड़ा कर रहा हूं, उसके नीचे यानी कि उन दोनों लेयर्स के नीचे जो भी चीजें हैं वो अफेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ जो टॉप की दो लेयर है वही दोनों लेयर्स अफेक्ट हो रही है ना। अभी मैंने इसे छोटा कर दिया, मैंने यहाँ पे जो टिक मार्क है उस पर टैप किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गया है। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट रखते हुए ही अगर मैं मूव करना चाहूं तो इसे मूव भी कर सकता हूं, है ना मजे की चीज। अगर एक पेंटिंग में आप एक घर बनाते हैं और वो घर को आप किसी और जगह मूव करना चाहें या छोटा या बड़ा करना चाहें, तो इस तरह से काफी आसानी से कर सकते हैं। ये अगर आपको फिजिकल पेंटिंग में करने की जरूरत पड़े तो कितनी मेहनत करनी पड़ती, या तो आपको मिटाना पड़ता या वापस से पेंट ओवर करना पड़ता। आपकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगी अगर मैंने अगर आपने घर पेंट कर दिया है उसको अगर मूव करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिमिलरली मैं उसी तरह दूसरे लेयर्स को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और उनको भी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ अलग अलग साइजेस में, है ना। आप देख सकते हो सेम प्रोसेस वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने कोई मिस्टेक की, आपको ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं लग रहा है, तो इस बटन पे टैप करने पे वो ओरिजिनल साइज पे चला जाएगा। वापस से कंट्रोल ट्री प्रेस करें, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे छोटा करेंगे ये कुछ इस तरह से, एंड टिक मार्क कर देंगे, फाइनल कर देंगे। अब दोनों को जब हमने सेलेक्ट किया हुआ है, मूव टूल को लेके हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें कर सकते हैं हम लेयर्स के साथ, एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको मैं। उसके लिए बाकी सारे लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ और टॉप के दो लेयर्स को सिर्फ बचा के रखता हूँ। लेयर्स को डिलीट कैसे करते हैं, एक तरीका ऐसा है कि आप किसी लेयर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट लेयर का ऑप्शन मिलेगा, वहां क्लिक करके आप यस पे क्लिक कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इस लेयर को पकड़ के ड्रैग करके इस डस्टबिन पे लेके आके छोड़ सकते हैं, उससे भी वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे लेयर्स को साथ में डिलीट करना हो तो उनको पकड़ें और कंट्रोल क्लिक करके काफी सारे लेयर्स को एक साथ क्लिक करके राइट क्लिक और डिलीट लेयर करके डिलीट कर दें, ठीक है ना। अभी हमारे पास सिर्फ दो लेयर बची हुई है जो टॉप के लेयर्स है, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मूव टूल के साथ इसको मूव करके सेंटर पे लेके आता हूँ। मैं आपको एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। अगर मैंने स्क्वायर लेयर को इसी तरह रखा और ऊपर जो उसके सर्कल लेयर है, सर्कल लेयर को मैंने राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, देखा आपने क्या हुआ, जो स्क्वायर है उसके अंदर सिर्फ सर्कल का जो पार्ट है वो नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है यहाँ, सिंपल सी बात है मैं समझाता हूँ। सर्कल जो लेयर है वो लेयर उसकी नीचे जो स्क्वायर लेयर है उसमें क्लिप हो गया है। क्लिपिंग का मतलब ये है कि जो नीचे वाली लेयर पे जहां पर भी पेंट होगा ऊपर वाली लेयर का वही पार्ट नजर आएगा जो उसके ऊपर है, ठीक है। वापस समझाता हूँ, देखिए अगर मैंने मूव टू लिया और सर्कल लेयर को पकड़ के मूव करना चालू किया तो आप देख सकते हो कि सर्कल मूव तो हो रहा है लेकिन पेंट वहीं पर नजर आ रहा है जहां पर स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना मजेदार चीज। अगर इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सर्कल को ही बड़ा या छोटा करना चाहूं वो भी कर सकता हूं, लेकिन
वो स्क्वायर को अफेक्ट नहीं करेगा और कलर सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहां पर स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आप इस चीज के एप्लीकेशन सोच सकते हैं, अगर आप कोई एक पोस्टर बना रहे हो, अगर आप कोई घर की दीवार बना रहे हो, उस पे आप अगर आप एक पर्टिकुलर टेक्सचर देना चाहें और वो टेक्सचर को उस घर की दीवार पे इस तरह से क्लिप कर दें और उसको अपने मन चाहे तरीके से मूव करें, तो क्या होगा? आपके घर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वैसे का वैसा बना रहेगा, लेकिन जो टेक्सचर है वो आप मूव अराउंड कर सकते हो, टेक्सचर अलग अलग तरीके से पेंट कर सकते हो। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर मैं अभी एक ब्रश ले लूं और ब्रश लेकर इसके ऊपर पेंट करने लगूं, तो आप देख सकते हो कि सर्कल लेयर पे होते हुए भी मैं पेंट कर रहा हूं, लेकिन इससे कोई पेंट अप्लाई नहीं हो रहा है ना? अब देखिए, मैं अगर इसके अंदर पेंट करना चाहूं तो क्या होता है? देख रहे हैं किस तरह वो सिर्फ क्लिप्ड एरिया में पेंट हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि लाइन की थिकनेस और थिननेस या फिर हार्डनेस चेंज हो रही है जैसे जैसे मैं प्रेशर दे रहा हूं। ये हमने ब्रशेस वाले वीडियो में काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप ब्रशेस वाला वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, वहां आपको इसके बारे में और डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूं मैं। कैसे जाएंगे? कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। कंट्रोल जेड प्रेस करने पे वो जो लाइन हमने लास्ट बनाई वो मिट जाएगी। ठीक है, आपको आशा करता हूँ ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, आपको कुछ सीखने में मजा आ रहा हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं काफी सारी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ आपको हेल्प करने के लिए डिजिटल पेंटिंग में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये बहुत फास्ट लगा तो कोई बात नहीं, वीडियो को वापस शुरुआत से देखें, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स में आप यूज कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। मेरा नाम है वेंकी। बाय बाय। व्हाई डोंट यू गेट योर चेयर एंड सिट? प्लीज सिट ना, मेरे को बुरा लग रहा है। मजा आया? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो झट से वो लाइक बटन दबा दीजिए, और आपको जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उस गिव अवे के बारे में जिसके बारे में आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था। हम एक गिव अवे चला रहे हैं जिसका नाम है क्रिएट हैप्पीनेस विद होयोन। हम चाहते हैं कि आज की टेंशन भरी दुनिया में थोड़ी सी हैप्पीनेस हम स्प्रेड करें। सब लोग काफी परेशान हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेंटिंग्स बनाएं और सोशल मीडिया पे शेयर करें, उसके साथ हैशटैग यूज करें क्रिएट हैप्पीनेस विद होयोन। इसके बारे में और डिटेल्स नीचे दिए गए लिंक में है। इस कॉन्टेस्ट में 3 प्राइजेस हैं। बेस्ट प्राइज एक कैनवस प्रो 13 टैबलेट है होयोन की तरफ से, जो आपकी हो सकती है। तो झट से लिंक पे जाइए, सारे स्टेप्स को फॉलो करिए और आप भी कॉन्टेस्ट में एंटर कर सकते हैं। और बस डिजिटल आर्ट सीखने का सिलसिला जारी रखिए। आपके सामने कुछ वीडियोस हैं, उनमें से कोई एक क्लिक करिए और फटाफट देख डालिए जो भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर। और मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को जरूर बता देना इस चैनल के बारे में। टाटा।